हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं कराया वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। तो आज का वीडियो थोड़ा गाइडेंस रिलेटेड होगा कि जैसे ही आपकी अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कुछ बच्चे कराएंगे तो उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा मॉपअप राउंड का, सॉरी फर्स्ट राउंड का। तो उसमें आपको अलॉटमेंट होगा कॉलेज, फिर उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होगी जस्ट रिजल्ट आने के नेक्स्ट दिन से। तो रिपोर्टिंग के टाइम आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है और कैसी क्या स्टेप होती है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ तो मुझे आइडिया है कि क्या होता है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप अगले दिन से या फिर जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे अब जाना है कॉलेज, तो आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे। तो जैसे ही आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे आएंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो उसमें आपको स्मार्टली काम करना है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे और सब बच्चों को अपना एडमिशन लेना है, तो टाइम बहुत लगता है इस प्रोसेस में, ठीक है ना। तो टाइम लगता है, तो आपको स्मार्टली काम करना है कि जो भी बॉन्ड्स है वो आपको या तो आप पहले ही बना के रख सकते हैं या फिर आप वहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहे ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना बॉन्ड बना पाए और जो भी स्टेप होती है वो कंप्लीट कर पाए और आप जल्दी से घर भी जा सके। नहीं तो सुबह से लेकर शाम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर दूर से आते हैं तो उनको फिर वहीं रुकना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए आप स्मार्टली काम करें। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपकी सबसे पहले होती है अटेंडेंस, ठीक है, सबसे पहले होती है अटेंडेंस। जैसे ही अटेंडेंस होती है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे एक्टिव रहना है, ऐसा बाहर घूमना फिरना नहीं है। जैसे ही स्टाफ आता है एडमिशन लेने वाला, आपको तुरंत जाके अपनी अटेंडेंस लगवानी है और उसके बाद फिर आपको अपनी एक अटेंडेंस स्लिप मिलती है। तो ये सबसे पहली स्टेप होती है, ठीक। अटेंडेंस स्लिप मिलने के बाद फिर आपको वहाँ पर एक परफॉर्मा दिया जाएगा, ठीक है, जो कि यही परफॉर्मा रहेगा, परफॉर्मा नंबर वन। उसमें कॉलेज की सारी डिटेल्स होगी कि आप किस कॉलेज में हैं, और उसके बाद फिर उसमें नीचे सारी ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना परफॉर्मा नंबर वन में, सेम यही फॉर्मेट आपको हर कॉलेज में मिलेगा, मीन्स सारे प्राइवेट कॉलेज और सारे गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप इसको अभी से देख ले ताकि आपको वहाँ पर नया फील ना हो कि ये मुझे क्या मिल गया। तो उसमें सेम यही चीज़ लिखी होगी, यही यही परफॉर्मा दिया जाता है तो वो कॉलेज वाले आपको यही देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको, और यहाँ लिखा भी है कि अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए। तो जैसे ही आपने अपनी अटेंडेंस लगवाई, आपको अटेंडेंस स्लिप मिली, आपको उसको ध्यान से संभाल के रखना है, ठीक है। अब आपका फेज़ आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, सेकंड फेज़। तो उसमें आपके ये आपको ये फॉर्म दे दिया जाएगा और उसमें फिर आपको ये सारे डिटेल्स भरने को बोला जाएगा। तो आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आप इतना इतना टाइम लीजिए और अच्छे से अपनी डिटेल्स को फिल करिए। फिर आप इसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स जमाएंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करके फिर वेरीफिकेशन अथॉरिटी के पास जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स है वो अभी हमें आपको बता देते हैं। और जैसे ही आप वेरीफिकेशन के पास जाए, वहाँ पर आप अपना वेरीफिकेशन कराएंगे डॉक्यूमेंट्स का, तो वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर जो वहाँ के अथॉरिटी है वो फॉर्म भी भरेगी और उसमें फिर वो यहाँ पे साइन करेगी और इस प्रोफार्मा को वो आपको देगी साइन करके। तो आपको एडमिशन स्लिप और जो अथॉरिटी के द्वारा दिया गया प्रोफार्मा है, जो भी प्रमाण पत्र है, उसको रखना है, क्योंकि ये आपको एक प्रकार से लाइफ लॉन्ग काम आएगा पूरा MBBS की स्टडी में, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको आपका जो एडमिट कार्ड आया था, ठीक है, नीट के टाइम का, या फिर आपको जो नीट का रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप मिली थी, वो दोनों में से कोई भी आपको एक डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है और उसको इसी ऑर्डर में जमा करना था। जैसे आपने अपना एडमिट कार्ड दिया तो आप यहाँ पे एक टिक का निशान लगा देंगे। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे टिक लगा देंगे तो आपके पास है। तो फिर आपको 11th की मार्कशीट चाहिए। बहुत लोग का डाउट होता है कि क्या मेरे पास 11th की मार्कशीट नहीं है तो एडमिशन होगा या नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि आपको 11th की मार्कशीट चाहिए ही, तो एडमिशन के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, तो आपके पास होनी ही चाहिए 11th की मार्कशीट। फिर जो 10th की मार्कशीट होती है, मेनली वो एज के प्रूफ के लिए होती है। तो यदि आपके पास 10th की मार्कशीट है तो वो आपको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, वो उसी से आपका एज का डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका एडमिट कार्ड, सेकंड 12th की मार्कशीट, फिर 11th की मार्कशीट और फिर 10th की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या फिर विद्यालय के द्वारा दिया गया जो भी एक आईडी कार्ड बनता है स्कूल में, आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो उससे आपको एक आईडी प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए यदि आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। यदि आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो आपके जो पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका नाम लिखा होता है, तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आप 18 से ज़्यादा के हैं तो आपको अपना ही देना है, और यदि आप 18 से कम के हैं तो आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं जिसमें आपका नाम लिखा हो। फिर जाति प्रमाण पत्र, जो भी SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी है, उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे जमा करना है। उसके बाद जो EWS कैटेगरी कोटा से आते हैं,
उनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2023 के बाद का जारी हुआ वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसके पहले का दे दें। यहाँ साफ साफ मेंशन है कि 1 जनवरी 2023 के बाद का ही EWS का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स, तो आपको यही चीज़ें आपको मिलेगी और सेम फॉर्मेट मिलेगा और सेम इसी के बेस पर डॉक्यूमेंट्स लिखे रहेंगे, तो आप इसको अभी से देख लीजिए। फिर जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो इसी ईयर का चाहिए, वर्तमान वर्ष का। ठीक है, फिर जो PWD कैटेगरी से आते हैं उनको भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, लेकिन जो MCI या फिर NMC के द्वारा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया और कहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनाना है वही वाला वैलिड होगा। तो यदि वो है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। फिर सैनिक कोटा से जो बच्चे आते हैं उनको जो प्रोफॉर्मा 2 और ब में दिया है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रमाण पत्र बना के सबमिट करना है। फिर जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जिला कलेक्ट्रेट के द्वारा जो जारी किया गया प्रमाण पत्र है वो सबमिट करना है। उसके बाद एक न्यू रिजर्वेशन आया 5% जो कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है, तो उनको प्रफॉर्मा और ब के अनुसार जो भी सर्टिफिकेट वो बना के लाएंगे उसको यहाँ पे कॉलेज में सबमिट करना है। फिर जो NRI कोटा के हैं उनको प्रफॉर्मा नंबर 4-5 के अनुसार शपथ पत्र देना है। फिर आपने जो अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम डोमिसाइल का जो एफिडेविट दिया है तो वो भी आपको यहाँ पर जमा करना होगा बहुत ध्यान से। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से संभाल के रखिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी सबमिट कर दिया और कहीं भी फेंक दिया, नहीं, उसको आपको सबमिट करना है, वो वहाँ कॉलेज में जमा होगा। फिर जो सीट लीविंग बॉन्ड और जो अनुशासन संबंधी वचन पत्र है, इसमें ये होता है कि यदि आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले रहे हैं और आप अब अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको उस टाइम पे ये बॉन्ड नहीं देने होते हैं। बस आपको एक 500 रुपये के स्टाम्प पेपर में एक एफिडेविट बनाना होता है कि मैं अपग्रेड कराना चाहता हूँ, यदि मेरा कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो मैं फिर से इसी कॉलेज में आके ये सीट लीविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड जमा कर दूंगा। तो यदि आप अपग्रेड करा रहे हैं तो आपको ये बॉन्ड नहीं देना है, सिर्फ 500 रुपये का एक एफिडेविट बनाना है और अनुशासन संबंधी जो एंटी रैगिंग वाला फॉर्म है ये तो आपको बनाना ही होता है। तो ऐसे टोटल 17 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ये SIN, ये यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही ये बनेंगे और नहीं करते हैं तो इनकी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको आपके हिसाब से आप वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल करेंगे और टिक करेंगे। तो ये लिस्ट थी जो कि आपको हर कॉलेज में यही प्रफॉर्मा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और यहाँ पर फिर आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर अपना रैंक फिल करेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना पुराना अपने माता पिता का नाम लिखेंगे और यहाँ पर फिर आपने जो भी आपकी कैटेगरी वो फिल करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके स्पेशल कैटेगरी है वो कि आप सैनिक कोटा फ्रीडम फाइटर किस कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पे आपका नाम फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखी होगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपके द्वारा भरने के बाद और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एक सिक्वेंस में अब ये चीज़ें जाएगी, फिर आप यहाँ पर अपना नाम और पता लिख के सबमिट करेंगे। फिर ये अब सारी चीज़ें जाएगी जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करने के लिए अथॉरिटी बैठी उनके पास। ठीक है, अब वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाएंगे, आपकी फ़ोटो, आपका साइन, वो सब मिलान करने के बाद अब यदि उनको सब सही सही मिला तो टिक कर देंगे और इसमें साइन करके आपको दे देंगे और ये आपको स्लिप संभाल के रखनी है। आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोटो भी लगाना है। ठीक है, फ़ोटो आपको यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है। तो ये तो वो अपने पास रख लेंगे वाला फॉर्म, लेकिन ये जो भाग वह है ये आपको दे देंगे वेरीफाई करके कि हाँ बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट सही पाए गए। लेकिन यदि कुछ आपके 2 सेट वहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, लेकिन यदि आपको क्या हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम लगी कि यार ये दस्तावेज़ सही नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको वहाँ पे एलिजिबल नहीं मान के अपात्र लिख देंगे और जो भी कारण है कि ये बच्चा इसलिए एलिजिबल नहीं है वो यहाँ पे लिख देंगे और उसकी साइन कर देंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन होती है, या तो आप एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है और स्क्रूटनी के तहत आपको सही से पाया गया तो आपको इस डॉक्यूमेंट में साइन करके और प्रॉपर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये आपको संभाल के रखना है। ठीक है, तो ये स्क्रूटनी के जो ऑफिसर होते हैं वही ये भर के देते हैं। तो आई होप कि आपको एडमिशन से लेके लास्ट स्टेज, तो यही सबसे लास्ट स्टेज होती है कि जब यदि आपको ये स्लिप मिल जाए प्रॉपर सबकी साइन होके मिल जाए तो अब आप मानिए कि आपका एडमिशन फाइनल हो चुका है और आपकी जो MPDME की साइट है वहाँ पे अब ग्रीन निशान हो जाएगा रिपोर्टिंग एट कॉलेज और एडमिशन एट कॉलेज लेवल पे। और इसके बाद फिर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपने वेबसाइट में जाके विलिंगनेस टू अपग्रेड में क्लिक करके वहाँ से अपग्रेड करा सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड की यही स्टेप थी। इसके बाद फिर सेकंड राउंड आता है और उसमें फिर आप रजिस्ट्रेशन तो होते नहीं है, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है जिसमें कुछ पैसा लगता है जो कि मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता दिया है, आप वो जाके देख सकते हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इससे हेल्प हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने जितनी बातें बताया है काउंसलिंग गाइडेंस रिलेटेड कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्या करना होता है, कैसे क्या प्रोसेस होती है, आपको समझ में आया होगा। यदि इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।